हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि फोर लेवल रेस्ट्रिक्शन जो है उसका अप्रूवल ऑलरेडी कतर गवर्नमेंट से मिल चुका है। इनमें से जो फर्स्ट लेवल रेस्ट्रिक्शन है वो ऑलरेडी लागू भी हो चुका है 4 फरवरी से। तो इसमें किस किस चीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है उसको मैं आप लोगों को हिंदी में ब्रीफली समझा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को भी समझने में थोड़ा ईजी हो जाए। ओके, तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाले है, वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं ऐसे ही कतर के बारे में अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो ये लिस्ट बहुत बड़ा है, मगर इनमें से मैं जो इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा बहुत भी हम लोग का काम में आ सकते हैं उसी के बारे में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, और बाकी जितना भी हम लोग का कुछ भी काम में नहीं आएगा उसको मैं स्किप कर दूंगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। पहला रेस्ट्रिक्शन जो आया हुआ है, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय का ओनली 80% लोग ही अभी ऑफिस में जा सकते हैं, बाकी 20% लोगों को घर बैठे काम करना पड़ेगा, मतलब वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। ओके, सेकंड जो आ रहा है, गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी अगर ऑफिशियल मीटिंग होता है तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 लोग ही अलाउ है उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। इसके बाद का जो रेस्ट्रिक्शन आता हुआ था, हर एक सिटीजन को और रेसिडेंट को मास्क पहनना जरूरी है घर से निकलते ही। गाड़ी में सिर्फ अगर ड्राइवर हो और कोई नहीं हो तो ही सिर्फ उनको छूट मिल सकती है मास्क पहनने से, अदरवाइज सबको मास्क पहनना पड़ेगा। ओके, इसके बाद का जो रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, एवरी सिटीजन एंड रेसिडेंट अगर घर से कोई भी छोटा मोटा कुछ भी काम के लिए आप लोग निकलते हैं तो ऐतराज ऐप को एक्टिवेट करके ही आप लोग को निकलना पड़ेगा। अगर बीच में कोई भी पुलिस आप लोग को पकड़ लेती है और आपके पास ऐतराज ऐप नहीं होता है तो आप लोग को डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन में रेफर कर दिया जाएगा। ओके, इसके बाद का जो रेस्ट्रिक्शन आ रहा है वो डेली प्रेयर के लिए और प्रेयर के लिए मॉस्क तो ओपन रहेगा, मगर मॉस्क का अंदर का जो टॉयलेट बाथरूम है वो क्लोज रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है, स्मॉल प्लेस में ओनली 5 आदमी और बिग प्लेस में मैक्सिमम 15 आदमी से ज्यादा एक साथ गैदर नहीं हो सकते। पब्लिक पार्क में जितना भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो सब अभी बंद रहेंगे। बीच में और कॉर्निस में मैक्सिमम 15 आदमी से ज्यादा एक साथ गैदर नहीं हो सकते। इसके बाद है, व्हीकल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 आदमी अलाउ है अगर फैमिली ना हो तो। ओके, नेक्स्ट आ रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब बस में अगर आप लोग चढ़ते हैं तो वहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम अभी 50% कैपेसिटी के साथ ही बस को चलाने का अनुमति दिया गया है। ओके, इसके बाद जो आ रहा है मेट्रो में ओनली 30% कैपेसिटी के साथ ही ट्रेवल करने का अनुमति दिया गया है। उसके बाद ड्राइविंग स्कूल में ओनली 25% लोग ही एक साथ वहां पे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका सिनेमा हॉल या थिएटर में 18 ईयर से कम किसी को भी अलाउ नहीं है, और सिनेमा हॉल में उसका कैपेसिटी का टोटल 30% ही अलाउ है। ओके, इसके बाद जो आ रहा है, एनी एजुकेशन सेंटर, प्राइवेट टीचिंग सेंटर, नर्सरी, चाइल्ड केयर, यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका कैपेसिटी का 30% ही अलाउ है, इससे ज्यादा अलाउ नहीं है। ओके, इसके बाद आ रहा है म्यूजियम और लाइब्रेरी में मैक्सिमम से मैक्सिमम 50% लोग अलाउ है। इंडोर स्विमिंग पूल और वाटर पार्क जो है वो बंद रहेगा, और आउटडोर स्विमिंग पूल और वाटर पार्क में मैक्सिमम से मैक्सिमम 30% लोग ही अलाउ है। ओके, इसके बाद आ रहा है 50% लोग अलाउ इन द पॉपुलर मार्केट एंड 30% लोग अलाउ इन द होलसेल मार्केट। ओके, ऑल टाइप ऑफ बोट सर्विस आर स्टॉप नाउ। इसके बाद भी बहुत सारे रेस्टोरेंट, क्लब, वेडिंग, इन सबको लेकर वेडिंग का सिर्फ अभी तक चालू नहीं हुआ, 7 फरवरी मतलब आज से वो लागू होगा, बाकी सब ऑलरेडी 4 तारीख से लागू हो गया है। ये छोड़ के बाकी जितना भी है उसमें से कुछ भी हम लोग का काम का नहीं लगा, ये भी ज्यादा हम लोग का कुछ काम का नहीं है, मगर यही सब जो रेस्ट्रिक्शन है वो लागू कर दिया गया है। अभी ये सब रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद कतर गवर्नमेंट चेक करेगी कि कोरोना का पॉजिटिव आने का कंडीशन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कम हो जाए तो अच्छा है, सब कुछ ओके हो जाएगा, फिर से सब कुछ धीरे-धीरे खोल दिया जाएगा, मगर ये कंडीशन अगर आना कम नहीं होता है तो 3 वीक बाद फिर से नेक्स्ट लेवल रेस्ट्रिक्शन लागू कर दिया जाएगा। अभी देखते हैं उसमें किस किस चीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। ओके, तो यही जो इन्फॉर्मेशन था मुझे आज को आप लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।